स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छग्रही प्रेरक और संकुल सहजकर्ता विगत 2 अक्टूबर 2014 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हमारे देश को खुले में शौच मुक्त शौचालय योग तथा ओडीएफ प्लस पर हम पंचायत स्तर पर आज दिनांक तक कार्यरत हैं। महोदय, आपके आह्वान पर भी हम दिन रात मेहनत करके ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त किया, परंतु नवीन कार्य योजना के अंतर्गत हमें नजरअंदाज किया जा रहा है एवं स्वच्छग्रही के हिस्से का कार्य अन्य संगठनों को दिया जा रहा है, जबकि हम लोगों ने बिना मानदेय के पूर्ण ईमानदारी से कार्य किया है और वर्तमान में COVID-19 जैसी घातक बेस्ट फिट महामारी से बचाव हेतु निस्वार्थ भाव बिना मानदेय के प्रत्येक पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम, पंचायत टीम के साथ घर घर स्वास्थ्य सर्वे एवं प्रवासी श्रमिकों को होम क्वारंटाइन एवं जन जागरण अभियान में पूर्ण रूप से सहभाग ही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन से निवेदन है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगभग 26,000 स्वच्छग्रही अपनी सेवा दे रहे हैं। अतः महोदय जी से निवेदन है कि हम स्वच्छग्रही को आगामी कार्य योजना में सम्मिलित कर निश्चित मानदेय के साथ हमें रोजगार अनुग्रहित करें। ढोल मेरा नाम विपिन रघुवंशी है और मैं स्वच्छग्रही सीएफपी संगठन जिला अशोक नगर का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रदेश से सभी जिलों से यहाँ पर स्वच्छग्रही साथी आए हुए हैं। सभी स्वच्छग्रही साथियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार 2014 से निरंतर आज तक हम यहाँ पर हमारे पूरे मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाने में हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ मानदेय कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती थी जो कि निश्चित नहीं थी, कोई निश्चित कार्य नहीं था। इसके लिए हम आज पूरे प्रदेश से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहें कि हम लोगों को एक निश्चित मानदेय दिया जाए और निश्चित कार्य दिया जाए। हम काम करने के लिए तैयार हैं, सभी प्रकार से जो भी हमसे काम लिया जाएगा हम करने के लिए तैयार हैं और हमारी मांगें पूरी हों, क्योंकि हमारे साथी आप देख रहे होंगे 2014 से जो कहीं किसी भी कार्यक्रम में कुछ भी नहीं कर पाए, कोई भी फैक्ट्रियों में जाके हम धंधे पानी करते तो आज हमारा भविष्य उज्ज्वल होता। आज हम सब लोग रोजगार हैं, मुख्यमंत्री जी ने सभी काम छुड़ा लिए, हमारे काम ले लेंगे, अन्य विभागों को अन्य संस्थाओं के लोगों से काम करवाए जा रहे हैं, तो आज हम सभी रोजगार हैं और आज हम सभी यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि आगे हम बहुत ही तादाद में सभी 35,000 के समथिंग हम लोग हैं और अब हम इकट्ठा आके बाकी की ओर धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कें चक्का जाम करेंगे, हाईवे रोकेंगे, हम ट्रेनों को रोकेंगे, हम बड़ी संख्या में हम आंदोलन करने के लिए आज तत्पर हुए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों को सुना नहीं गया और आज हम वही निवेदन करने के लिए आए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को सुने और हमारे भविष्य में भविष्य के लिए कुछ हमको सहायता राशि जो भी है मानदेय निश्चित कार्य हमको दिए जाएं, जिससे कि हम आगे आकर हमारे घर परिवार का जीवन यापन कर पाएं, हमारे बच्चों का लालन पोषण कर पाएं। अब हम बेरोजगार हैं, हमारे बच्चों की कहाँ से पढ़ाई करें, हम समझ सकते हैं। हमारा मीडिया के साथियों से भी हमारा निवेदन है कि आप हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ और हमारे साथियों की ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करें। हमने हर जगह संस्थाओं में शोक फिर बनवाए, नाजे बनवाए, सीवर लाइन भी अभी हमने बोले काम करवा रहे हैं। हम पूरे हमारे लगातार लगे हुए हैं स्वच्छ भारत में। हमारी सरकार की यही सोच है कि हमारी बातें हमारी मानदेय जो नियमित काम है नियमित काम नियमित वेतन दे, हमारी सरकार उनसे यही अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत, जय हम चाहे